हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर प्लान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं मर्चेंट नेवी के मार्केट कंडीशन के बारे में। जो मर्चेंट नेवी का मार्केट कंडीशन है आफ्टर लॉकडाउन और अभी सिचुएशंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसीजर चालू है, एडमिशन हो चुका है और बहुत सारे बंदे लोग जो है वो DNS के लिए और भी जो शॉर्ट टर्म के कोर्सेस सब हैं उसके लिए स्पॉन्सरशिप किसी न किसी कंपनी से वो लोग स्पॉन्सर हो चुके हैं। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है किसी कंपनी से, बट वो उन्होंने IMCET क्लियर कर लिया है। तो इस टाइप्स की बहुत सारे डाउट्स क्वेश्चंस हैं बंदे लोग के मन में, उसके बेसिस पे अभी का मार्केट कंडीशंस क्या है। तो फ्रेंड, सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर हम लोगों को IMCET अगर हमने क्लियर कर लिया इस ईयर और हमको अगर शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, चाहे वो DNS हो गया, ETO हो गया, GME हो गया, DME हो गया, GP रेटिंग हो गया, कुछ भी मर्चेंट नेवी की जो भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जिसके लिए स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है, तो बंदे लोग का एक कन्फ्यूज़न रहता है, बहुत ही बड़ा एक डाउट है कि भाई अगर हमने IMCET क्लियर कर लिया, IMCET में अच्छा खासा रैंक लेके चले आते हैं और अगर हमको IMCET में एडमिशन मिल रहा है काउंसलिंग के थ्रू, अभी तो काउंसलिंग का रिजल्ट नहीं निकला, बट मे बी अगर आपको IMCET के थ्रू अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो क्या वहाँ एडमिशन लेना सही रहेगा। तो यहाँ पे अभी का मार्केट कंडीशंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे एडमिशन लेना सही नहीं है, ठीक है। और हर स्टूडेंट लोग सोचते हैं कि कम बजट में कम पैसा इन्वेस्ट करके उसका कोर्स कम्प्लीट हो जाए, जो कि एक राइट डिसीज़न है। बट अगर मैं जॉब्स का बात करूँ, अगर मैं अभी का मार्केट कंडीशन बात करूँ और इन फ्यूचर क्या होने वाला है मर्चेंट नेवी फील्ड के अंदर में, उससे रिलेटेड अगर मैं किसी को बताता हूँ, तो सबसे पहली बात, आप यहाँ से कोर्स मत करो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज से कोर्स मत करो। जो मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात है, जिस भी स्टूडेंट लोग को जो शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, जिस कोर्स के लिए स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है किसी न किसी कंपनी के थ्रू, अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिला है तो आप इस साल को आप ड्रॉप कर दो, फिर आप नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सिक्स मंथ के बाद फिर से प्रिपरेशन करके एग्जाम दो और अच्छी से अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप लेके आप एडमिशन लो। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी का मार्केट कंडीशन देख रहा हूँ। अभी जो स्टूडेंट लोग जो कोर्स कर रहे हैं उसको जॉब नहीं मिल रहा, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे लोग भी सोचते हैं कि यार अगर हमने IMCET क्लियर कर लिया है, अब मुझे IMU के कैंपसेस मिल जाएंगे और मैं IMU के कैंपसेस से कोर्स कम्प्लीट कर लूँगा, तो यार ये सही बात है। लेकिन IMU के अंदर में अभी का अगर मार्केट कंडीशन बात करूँ तो IMU में प्लेसमेंट ना के बराबर है। अगर मैं बात करूँ जो इंडियन मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो चेन्नई वाला कैंपस है या फिर मुंबई वाला कैंपस है या फिर कोलकाता वाला कैंपस है, तो प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट कुछ भी नहीं है। अगर IMU चेन्नई की बात किया जाए तो प्लेसमेंट यहाँ 0% के बराबर है, ठीक है। मुश्किल से एक दो कैरेट मे बी किसी ईयर प्लेस्ड हो जाते हैं, तो सोच सकते हो कितना बुरा पोजीशन है अभी IMU गवर्नमेंट कैंपस सबकी, एज वेल एज प्राइवेट कैंपस सबके भी वही हाल है। तो प्राइवेट में तो कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि अच्छा खासा 100% अश्योरिटी देती है कि आपको जॉब मिल जाएगा, बट प्राइवेट कॉलेज में कुछ ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जाना वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो मैं कॉलेज सबका मैं आप लोगों को ज़्यादा बताता रहता हूँ क्योंकि इस कॉलेज में जाऊँ, क्योंकि यहाँ ये कॉलेज आपका डिसाइड करने वाला अभी का एक आपका कैरियर डिसाइड करने वाला है, ठीक है। जो आपका स्टार्टअप होने वाला है ये कैरियर आपका स्टार्टिंग से डिसाइड करेगा। तो इसलिए मैं हर स्टूडेंट लोग को रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर आपने IMCET में अच्छा खासा रैंक लेके भी अगर आप चले आए, अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है तो कोर्स मत करो IMCET के कैंपस से, ठीक है। जो भी IMU कैंपस है वहाँ से कोर्स मत करो, क्योंकि ये आप सोच रहे होगे कि मेरा कम फीस में मेरा कोर्स हो जाएगा, लेकिन ये समझ लो आप कोर्स कंप्लीट करके निकल जाओगे, आपको जॉब नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर आप एजेंट के चक्कर में पड़ोगे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपका कैरियर फिनिश हो चुका होगा मर्चेंट नेवी के अंदर में। तो एक सही डायरेक्शन ये है कि अगर आप DNS कोर्स करना चाहते हो, जो भी शॉर्ट टर्म के कोर्सेज है जिसके लिए आपको स्पॉन्सरशिप लेना पड़ता है, तो पहले आप स्पॉन्सरशिप लो, ठीक है। तो ये डाउट्स बहुत सारे बंदे लोग के मन में था और अभी का मार्केट कंडीशन भी यही है कि अगर आप किसी कोर्सेज के लिए स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हो तो फिर आपको ये सोचोगे कि आप इन फ्यूचर में अगर मेरा कोर्स चल रहा है उसके बीच में मैं स्पॉन्सरशिप ले लूँ तो यार बहुत ही टफ हो जाता है, ये पॉसिबल नहीं कर सकते हो। आज के मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है कि आप कोर्स के साथ साथ आप जॉब ले सकते हो, कहीं कंपनी को विजिट करके कभी कंपनी में रिज्यूम फॉरवर्ड करा के जॉब नहीं ले सकते हो, क्योंकि अभी का जो मार्केट कंडीशन है वो थोड़ा टफ हो चुका है, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है अभी का मार्केट, ठीक है। तो आप अगर अभी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हो तो सही कॉलेजेस से कोर्स करो, ठीक है।
क्योंकि देखो जो अच्छे अच्छे कॉलेज प्राइवेट जो इंडिया के अंदर में कॉलेजेस हैं, चाहे वो डीएनएस के लिए, बीटेक के लिए, जो भी कॉलेजेस हैं, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अभी तो गवर्नमेंट की हालात सही नहीं चल रही है। अभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो जो भी गवर्नमेंट के कैंपसेस है, कोई भी कैंपसेस आप ले लो, प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही पीछे है भाई, ठीक है, प्लेसमेंट के मामले में बहुत ही पीछे है। और प्राइवेट कॉलेज में हाँ, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज बहुत ही अच्छी कर रही है, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे ऐसे हैं जो जो जिसके एक कैडेट को दो दो तीन तीन कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल चुका है, ठीक है, तो तीन तीन कंपनी का उन्होंने स्पॉन्सरशिप क्लियर कर लिया है। तो यार कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जो कि आप लोगों को इतनी फैसिलिटी देती है, बट अगर मैं कंपेयर करूँ आईएमयू को, आईएमयू कैंपसेस को, तो यार बहुत ही ज़्यादा आईएमयू कैंपसेस के अंदर में प्लेसमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, प्लेसमेंट का बहुत ही बड़ा इशू है। तो इस चीज़ का बात को समझो, ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपने आईएमयू सिटी क्लियर, अगर आपने अभी इस टाइम में आईएमयू सिटी क्लियर कर लिया है, तो 6 मंथ के बाद भी आपके पास इतनी मेरिट होगी कि आप डेफिनेटली आईएमयू सिटी क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो सोचो ना, 6 मंथ के बाद आपके पास ढेर सारे कंपनीज की ऑप्शंस रहेंगी, आप फिर से 6 मंथ के बाद वेट करो, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करो, उसके बाद फिर से आप कंपनी का फॉर्म भरो, फिर से कंपनी से आपका उस टाइम में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मेरे को कौन कौन सी कंपनी का, कौन कौन से कॉलेजेस का स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरना है। फिर उस टाइम में आप कंपनी सबका स्पॉन्सरशिप फॉर्म भरो, कंपनी का स्पॉन्सरशिप एग्जाम दो, इंटरव्यू दो, और डेफिनेटली किसी ना किसी कंपनी के थ्रू आप लोग को स्पॉन्सरशिप मिल जाएगा। तब आप आराम से कोर्स आईएमयू के कैंपस से भी कर सकते हो और प्राइवेट कैंपस से भी कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर डीएनएस कोर्स करना चाहते हो, या फिर जीएमई करना चाहते हो, डीएमई करना चाहते हो, जो भी शॉर्ट टर्म के कोर्सेज सब है, या फिर जीपी रेटिंग हो गया, इसके लिए अगर आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो फिर इस कोर्स को करने का मतलब कुछ नहीं बनता है, ठीक है। ये मत सोचो कि यार आजकल जो रेफरेंस वाली बात आ रही थी कि रेफरेंस ले लूँगा मैं, तो यार रेफरेंस भी बहुत ही लिमिटेड टाइम पे चलते हैं। पहले रेफरेंस की वैल्यू कंपनी देती थी, बट अभी का जो मार्केट कंडीशन है, इसमें रेफरेंस की वैल्यू भी अब उतना नहीं लगता। अगर पॉलिटिशियन की मैं बात करूँ, तो बहुत सारे बंदे लोग बोलते हैं कि सर मैंने एमएलए का रेफरेंस लगाया, मैं एमपी का रेफरेंस लगाया, तो यार नहीं लग पाता है, ठीक है। पॉलिटिशियन के भी रेफरेंस का कोई वैल्यू नहीं होता है आज के दौर में, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ, ठीक है। अगर 10 कंपनी में आप विजिट कर रहे हो, 10 कंपनी को किसी पॉलिटिशियन का रेफरेंस दे रहे हो, तो मे बी 2 से 3 कंपनी उस रेफरेंस पे आपका वर्क कर दे, बट आज के दौर में रेफरेंस का भी उतना वैल्यू नहीं रहा, ठीक है, जितना पहले रेफरेंस के टाइम में था। हाँ, अभी अगर मैं बात करूँ, जो कैप्टन है, जो चीफ इंजीनियर है, उस लोग का रेफरेंस थोड़ा बहुत चल जाता है, बट मे बी कुछ कुछ कंपनी में चलता है, लिमिटेड कंपनी है, ऐसा नहीं कि हर कंपनी में चलता है, लिमिटेड कंपनी है। तो ये मत समझो कि मैं किसी का रेफरेंस ले लूँगा, अगर कोई रिलेटिव है तो डायरेक्टली उसके थ्रू मे बी उस टाइम, क्योंकि अभी का सिचुएशन जो लग रहा है, अभी का जो मार्केट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप डायरेक्टली रेफरेंस लेना चाहो, तो भी उसमें भी अगर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको वेट करना पड़ सकता है। लेकिन आपके पास ये ऑप्शंस है कि आप अभी 6 मंथ वेट करके फिर से आईएमयू का एग्ज़ाम देके, या फिर से प्राइवेट कॉलेजेस का एग्ज़ाम देके, फिर से स्पॉन्सरशिप लेके आप अच्छा से अच्छा करियर बना सकते हो। और जो प्राइवेट कॉलेजेस है, कुछ कुछ मैं प्राइवेट कॉलेजेस के मैं आपको नाम बता, जैसे कि मैनेट हो गया, ठीक है, मैनेट हो गया, उसके बाद आईएमए हो गया, ठीक है, और वेल्स हो गया, एचआईएमटी हो गया, और वीपी मरीन हो गया, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि प्लेसमेंट नहीं है वहाँ, प्लेसमेंट के मामले में वहाँ पहले प्लेसमेंट था, बस आज के दौर में वहाँ प्लेसमेंट नहीं है, तो वहाँ भी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना सही नहीं है। 2019 में आईएमयू का नोटिफिकेशन आया था कि जो भी बंदे लोग कोर्स करना चाहते हो आईएमयू के कैंपसेस के अंदर में, उस लोगों को स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। ये नोटिफिकेशन 2019 में आया, बट इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोग ये समझ लो, अगर आप स्पॉन्सरशिप लेके ज्वाइन करते हो, तो ये आप लोग के लिए बेनिफिट है, बोनस पॉइंट है। अगर बिना स्पॉन्सरशिप के कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, ठीक है। अगर आप एक सही डायरेक्शन से ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, आप डायरेक्टली आओ, कोर्स कंप्लीट करो, फिर आप शिप पे, नो प्रॉब्लम। बट अगर आप स्टार्टिंग में ही, अगर आप कॉलेज चूज करने से पहले, कॉलेज चूज करने के टाइम में, अगर आप अभी थोड़ी सा भी अगर आप नर्वस होते हो, या फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हो, अच्छी कंपनी से स्पॉन्सरशिप नहीं ले पाते हो, तो आपका जो स्टार्टिंग होगा मर्चेंट नेवी में, इंट्री ही आपका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो यार इसको आप लोग फोकस करो, क्योंकि अभी जो आप लोग एडमिशन लेने वाले हो, अभी जो अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, ठीक है, तो यार कुछ इसका रिटर्न मिलना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अब मैं आप लोग बता देता हूँ जो लॉन्ग टर्म के कोर्सेज समय, वो बीटेक मरीन हो गया, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस हो गया, उसका क्या है। तो बीटेक मरीन में और बीएससी नॉटिकल साइंस में क्या है, एक टाइम पीरियड मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो, तो आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है सोचने का, कंपनी विजिट करने का, उस टाइम में आपकी मेंटेलिटी पूरी बन जाती है कि यार किस कंपनी में किस तरीके से हमको जॉब मिलने वाली है, ठीक है, और आप लोग उस तरीके से फिर अपना वर्क करना शुरू कर देते हो, कंपनी में रिज्यूम फॉरवर्ड करना शुरू कर देते हो। उसी नंबर पे यार ये समझ लो कि आईएमयू कोलकाता हो गया, चाहे भी किसी भी कैंपसेस के अंदर में, अगर आप बीटेक मरीन कोर्स करना चाहते हो, या फिर बीएससी नॉटिकल साइंस कोर्स करना चाहते हो, तो अगर
आपके पास सियोरिटी नहीं है जॉब की यहाँ पे, मतलब 50-50% चांस रख सकते हो कि जॉब प्लेस हो भी सकते हो और प्लेस नहीं भी सकते हो, ठीक है। मतलब गारंटी नहीं है भाई, मतलब IIM कोलकाता IIM कैंपसेस में जो भी है उसमें गारंटी नहीं है जॉब की, मतलब 50-50% चांसेस है, बस ये मैं कहूँगा, ठीक है। अगर आप DNS के लिए कोर्स करना चाहते हो विदाउट स्पॉन्सरशिप तो 10% चांसेस भी नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को आज मार्केट कंडीशन बता दिया, आप लोग को पता होगा कि अभी IIM का काउंसलिंग चल रहा है, तो मैं सोचा कि आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम में ये एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और मैं आपको इसी तरीके से नई नई अपडेटेड ला के देता रहता हूँ मर्चेंट नेवी से रिलेटेड। और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, भाई को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।